उज्जैन में मलखंब खेल के दो दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर विधायक सहित मलखंब की पूजन अर्चन करने के बाद में शुरुआत की। प्रतियोगिता का चयनित खिलाड़ी मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उज्जैन में मलखंब खेल की दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज शनिवार से हुआ। श्री अच्युतानंद गुरु अखाड़ा व्यायामशाला में खिलाड़ियों ने मलखंब पर कर्तव्य दिखाना शुरू भी कर दिया है। सबसे पहला प्रदर्शन 11 साल के शौर्य सिंह चौहान दिखाया। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को भोपाल में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उज्जैन का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। उज्जैन में होने वाली प्रतियोगिता में करीब 300 प्रतियोगियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि भारत के इस प्राचीन खेल विधा को वर्ष 2013 में शिवराज सिंह सरकार ने राज्य खेल का दर्जा दिया है। प्रतियोगिता में शनिवार को सब जूनियर बालक व बालिका, जूनियर वर्ग बालक बालिका के खिलाड़ी अपने कर्तव्य दिखाएंगे। रविवार को सब जूनियर सेकंड बालक बालिका, सीनियर वर्ग पुरुष महिला के खिलाड़ियों का प्रदर्शन होगा। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूल कॉलेज व खेल संस्थानों से 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री व विधायक पारस जैन व एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने प्रतियोगिता का उद्घाटन भी किया। देखा होगा कि गुरु अखाड़े के अंदर भी मलखंब की जिले के कार्यक्रम हमने रखा है। इसमें जो जिले में मलखंब में सिलेक्शन होगा वो आगे लेके जाएंगे। मलखंब अकादमी भी उज्जैन के लिए बन रही है, ये भी हमारे सबका ही प्रयास है, क्योंकि मलखंब की जो देन है वो उज्जैन की देन है। हमने अच्युतानंद स्वामी महाराज के बाद काशीनाथ जी डकारे जी को देखा, लेकिन उन्होंने भी जीव अखाड़े का आज रूप बदला है और आज एक बहुत बड़ा काम ये होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि बाकी काम भी हम सबके नेतृत्व में, खेल विभाग के नेतृत्व में इसको और विकसित करेंगे। उज्जैन खिलाड़ियों का एक केंद्र है, चाहे कुश्ती हो, चाहे जिसमें हो, चाहे मलखंब, इनमें अच्छे लोग बच्चे यहाँ मिलते हैं। मैं आज जो हमारे राज्य स्तरीय जिला स्तरीय जो मलखंब चालू हुई है उनमें जितने बच्चे आए उन सबका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि उज्जैन एक भारतीय पारंपरिक खेलों में एक बड़ा नाम रखते हैं और उसी में एक मलखंब भी एक प्रतियोगिता है जिसका उद्घाटन समारोह आज हुआ है। अच्छी बात यह है कि उज्जैन जिले में एक ऐसी हस्ती है जो द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं, योगेश मालवीय जी। वो कहीं ना कहीं हम नए जो बच्चे जिनके साथ ये प्रतियोगी हैं इनके लिए एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मलखंब की जो प्रतियोगिता है हमारे जो नए लड़के हैं इनको एक डेवलप करने में और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।